मिर्जा फिल्म की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब सोनम को नहीं, लोग मिर्जा को याद रखते हैं, ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है नो कि मिर्जा बहुत को याद रखा, उस किरदार को याद। यही हमारा मकसद था और अगर लोग ये रिकग्नाइज कर रहे हैं तो इट्स अ जॉब वेल डन बाय अस। नो एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट इंडिया इज रिमेंबरिंग मिर्जा, इंडिया इज नॉट फॉरगेटिंग मिर्जा, इंडिया इज नॉट फॉरगेटिंग आवर हीरोज एंड हीरोइंस। वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओके, आपके किरदार को लेके, आपकी एक्टिंग को लेके इतनी सोनम इतनी तारीफ हो रही है, इतने अप्रिशिएशन मिल रहा है, सो सुनार की और एक लोहार की आप मानती हैं बात कर सकते, डू यू एग्री इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? वो पता नहीं, बिकॉज हमारी जो मीडिया की और हमारी पब्लिक की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, पर यहाँ आई होप एंड प्रे कि यहाँ मेमोरी लंबी हो, क्योंकि ये फिल्म जो हम सब ने बनाई है इट्स फॉर द मेमोरी ऑफ मिर्जा, कि दैट इंडिया डजंट फॉरगेट हर। What's your take on this? और क्या सोनम ही किरदार में थी, जहन में थी while you know working on the film? Yes, fully, because we had full conviction. We are very happy, and it's something which, as far as Atul was concerned, I was concerned, there was nobody else. Okay, जिस तरह अभी मैंने सुना कि कुछ लोग कैंडल जला रहे हैं और इतना प्यार मिल रहा है। No, I just received a message saying that in USA. That there are people who are lighting candles inside the theater after they see the film, so that is really big. That's really big for us. Okay, Sonam, एक अलग तरह की फिल्म थी, एक अलग तरह का लोगों को याद दिलाई गई थी, किसी लड़की ने इतनी बड़ा बलिदान दिया था। इस तरह की फिल्मों का अगर और आपको ऑफर आते हैं या आपसे कोई कहता है करने के आप हिस्सा बने, को अगर एक अच्छी कहानी है और अगर जो लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, अगर हम स्वरदय राइट स्वरदय हैं तो लाइक हार्ट स्वरदय हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगी, पर वो अभी टाइम, मतलब मैं क्या कैसे बोल सकती हूँ, अगर मैं भविष्यवाणी देती तो मेरा जो करियर है वो कहीं और होता, पर मैं सिर्फ वो काम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं खुश रहूँगी और मेरा काम अप्रिशिएट होगा, तो मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करती हूँ। ओके, क्या सीखा आपने वाइल वर्किंग द फिल्म में ना, और क्या उम्मीद थी कि इतना लोग प्यार देंगे, इतना सराहेंगे? जब भी मैं कोई काम करती हूँ मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई सीख मिलेगी। मुझे लगता है कि हम यहाँ इस दुनिया में उसी मकसद के लिए हैं कि हम कुछ सीखें, वी इवॉल्व एज ह्यूमन बींग्स, और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव माई ड्राम, क्योंकि और जो भी हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन सब दे वेरी इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स और उनसे सिर्फ सीखने को मिलता है। माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, डू यू एग्री विद मिर्जा द टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? आई डोंट नो, बिकॉज वो मेरा मकसद नहीं था। यू नो अतुल, द वेरी फर्स्ट फिल्म और इतना अलग तरह का सब्जेक्ट, और कैसे सोचा आपने, और क्या जहन में ऐसा ही कुछ शुरुआत इसी तरह से करने का था हमेशा? हमने सोचा कि अगर हम प्रोडक्शन करें तो अभी 20 साल की गुडविल है एज अ फोटोग्राफर, इट वुड बी ईजी टू पुट अ सिंपलर प्रोजेक्ट टुगेदर, लेकिन सोचा कि अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लें जो विच वुड बी चैलेंजिंग, देन इट वुड बी ईजी फॉर अस टू यू नो बिल्ड सम प्रोडक्शन क्रेडिबिलिटी। तो अगली बार अगर हम अगर कुछ करें तो यू नो पीपल विल से कि इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट यू नो हैड पुट टुगेदर, लेकिन फॉर अस कोर जो था वो था स्क्रिप्ट, और ये स्टोरी जब साइवन क्वाड्रस ने, जो मेरी कॉम के लेखक है, उन्होंने जब लाई हमारे पास, तो हमने सोचा कि दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी दैट मस्ट बी टोल्ड। ओके, यू नो जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ, कितना इतने प्यार की उम्मीद थी, क्या इतना कमर्शियली और इतना लोग सराहेंगे? क्रिटिक की बात कर ली जाए या मीडिया की बात कर ली जाए, बहुत सराहा जा रहा है फिल्म को, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी बहुत जी। राम, क्या उम्मीद थी कि इतना लोग यहाँ तक लोगों को छुएगा सब कुछ, और जिस तरह की डिटेलिंग करी गई है, उस दौर का घर को दिखाना, उस तरह के कपड़े दिखाना, कॉस्ट्यूम दिखाना। No, we're just very grateful that people are reacting in this way. People are standing up and clapping at the end of the film. It is affecting people in their bones, and really we're here to remember Neerja. We're here saying please don't forget Neerja. So we're very happy and grateful for that. Do you want the film to be tax-free? We would like it very much to be tax-free, because then more and more people can see the film, more and more people will remember Neerja. Yeah, so what's your opinion on it? It has to be tax-free because the film is, you know, inspiring. I have no doubt that the movie will get tax-free, but please understand, उसका जो procedure है वो state-wise है, ऐसा नहीं है कि union government को आप एक application करें और पूरे देश में हो जाए, तो यूपी का अलग रहता है, महाराष्ट्र का अलग रहता है, दिल्ली का, पंजाब, हरियाणा, तो application किए हैं, और ये जाहिर है कि ये अगले हफ्ते में हो जाएगा, एंड टैक्स फ्री नॉर्मली हैपन्स ओनली आफ्टर रिलीज़, तो रिलीज़ तो हुई है फ्राइडे को, तो आई एम श्योर दिस इन दिस कमिंग वीक वील गेट अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स। नहीं बस हो गया। आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू वॉच द फिल्म। अगर ये मकसद है तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वॉच नीचा।